नमस्ते दोस्तों, तो आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। वीडियो बहुत शानदार बनेगी और ये पुराना किला है, पुराना किला जो प्रगति मैदान के अंदर है। इस किले का असली नाम जो है पुराना किला ना होगा, इसका असली नाम है पांडव का किला, जो अभिलेख मिले हैं माना जाता है ऐसा, पर ये कोई सच नहीं है। और वैसे अगर इसका जो हमें सबूत मिलते हैं, सबूत के हम उस पर कह सकते हैं, इसका रियल नेम था शेर का किला। और जो ये हम एंटर कर रहे हैं, बड़ा दरवाज़ा है, इसका जो निर्माण था वो हुमायूं ने करवाया था अपने टाइम में, जब उसने दोबारा सल्तनत जीती थी। और ये जो पूरा इतना बड़ा जो निर्माण है, पूरा बड़ा दरवाजे के नाम से सब इसे जानते हैं। इसके अंदर तीन दरवाजे पाए जाते हैं, हुमायूं का दरवाज़ा, ताली की दरवाज़ा और बड़ा दरवाज़ा, जहाँ से हम आ चुके हैं। और ये जो है कमरे बने हुए थे और धीरे धीरे टाइम के साथ ये थोड़े थोड़े नष्ट हो गए हैं, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, क्योंकि पुराने किले की बहुत सी चीज़ें अभी भी गुम है। आज भी इसके अंदर खुदाई हुई है, जो लास्ट खुदाई इसमें हुई थी 2017 में की गई थी। ये हमारे सोनू भाई साहब हैं और ये हमें पुराना किला घुमाने लाए हैं। वाइट में आयु से बैग टांगने जन आशीष है। और ये देखो सोनू भाग रहा है। और ये देखो पुराना किले का माहौल। इसके अंदर के बहुत से अवशेष जो है गायब हो चुके हैं, उनका अभी तक कोई सबूत नहीं है। वो शायद खुदाई के अंदर निकलेंगे और देखते हैं आगे की खुदाई कब तक होती है। 4-5 बार खुदाई हो चुकी है जो मिले हैं सबूत। किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए, तेरा मिलना है। यह है दूसरा दरवाजा, दूसरा दरवाजा जिसका निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था। इस दरवाजे का नाम रखा गया था ताल की दरवाजा। और ये नहीं पता मुझे कि ताल की दरवाजा इस दरवाजे का नाम क्यों रखा गया, पर सबूत कहते हैं कि इसका नाम जो था ताल की दरवाजा था। और ये बड़े दरवाजे की वजह से इसका प्रयोग जो था कम कर दिया गया, बड़ा दरवाजा ज्यादा प्रयोग में लाया गया। समय के साथ बहुत सी चीजें नष्ट हो गई है और इसके पीछे हिस्से में जो खाई थी, इसके पीछे यमुना नदी बहती है जो कि आईटीओ वगैरह से होती हुई दिखती है। तो ये यमुना नदी के किनारे ही बनाया गया था ताकि ठंडी हवाएं, पहले क्या होता था किनारे जो किले जो होते हैं ना गर्म हुआ करते गर्मी के टाइम में, तो इनमें ठंडी हवाओं के प्रवेश के लिए नदी के नज़दीक बनाया जाता ताकि वहाँ से ठंडी हवाएं किले के अंदर आएँ, किला ठंडा रहे और राजा महाराजाओं को ठंडी मिले, क्योंकि एसी वगैरह उस टाइम पर नहीं हुआ करते थे। और जो ये हम ऊपर की ओर चढ़े हुए हैं, इसके नीचे रूम कमरे बने हुए हैं, कमरे कुछ कमरे नष्ट हो गए हैं। ये पिलर थे जो आगे से डिज़ाइन के साथ सजाए जाते थे और कुछ कुछ कहा जाता है कि इनके ऊपर सोना चांदी की परत भी चढ़ाई जाती थी। उधर तो 2 लेटे पड़े, एक नहीं सारे प्रेमी हंस है भाई, वो मत छेड़ो में रह जाए यहाँ। यह है प्रभु किला जिसे पुराने किला हम कहते हैं। इसके अंदर हुमायूं और शेरशाह सूरी जैसे महान शासक इसमें रह के गए हैं। और इसके आप सामने की तरफ देखोगे वो मस्जिद थी जिसमें पहले एक टाइम पे 3 मस्जिद हुआ करती थी, पर समय के साथ उस 3 में से 1 मस्जिद बची हुई है, 2 नष्ट हो चुकी हैं, क्योंकि एक के अंदर जो आम लोग थे वो जाते थे, एक के अंदर जो रानियां होती थी वो जाया करती थी, और एक जो होती थी जिसके अंदर राजा महाराजा ही प्रवेश कर सकते थे। वक्त के साथ बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, बहुत सी चीज़ें गायब हो गई हैं, तो मिल पाना मुश्किल है। और चलिए हम आपको दिखाते हैं फ्री का वाईफाई जो हम इस्तेमाल करते रहते हैं।
ये जो है कमरे बने हुए थे एक टाइम पे, यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल हुआ करता था। आज के टाइम में झाड़ उग चुका है। मैं तो चाहता हूँ सरकार इससे को साफ करके कुछ बनाया जाए, लोगों को दिखाया जाए, परिचित कराया जाए, क्योंकि पुराने किले की बहुत सी चीज़ें खो गई हैं जो आज के टाइम में नहीं मिल रही हैं। और यहाँ जो था कुछ हुआ करता था शायद, मुझे नहीं पता, इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और यहाँ की साइड खाई थी जो बच्चों को आप संभाल के लाए, क्योंकि अचानक से बच्चा गिर भी सकता है यहाँ से, डायरेक्ट खाई है कुछ नहीं आगे, तो संभाल के लाए। यहाँ स्टैंडबाजी ना करें और अंदर चलते हैं अंदर की तरफ। ये सब क्या देख रहे हैं इसमें? वैसे ये किला बहुत खूबसूरत अंदर से और बहुत बड़ा है, अभी तक दिल्ली का सबसे बड़ा किला मान सकते हैं आप इसे, क्योंकि दिल्ली के अंदर शायद इतना बड़ा किला और नहीं है। कुतुब मीनार के बाद इसका जो इतिहास भी बहुत पिछला है, जिसे जल्दी समझ में नहीं आता। ये देखो एक बंदर चढ़ तो पानी रहा, अपना वेट इतना भारी कर रखा है इन्हें। ये लो फोन लो, ट्रू लव। आजिस फोन पकड़ियो। पकड़ तो फोन। ये जो दीवार सीधी आगे तक गई है, इसके आगे हुमायूं का दरवाजा आ जाता है, उसके ठीक सामने हुमायूं टाउन है, उसके बगल में ये इंद्रप्रस्थ का पार्क है, जो हिस्सा ये दिख रहा है, इंद्रप्रस्थ का पार्क है जहाँ सांची का स्तूप, इतने का स्तूप बना हुआ है। और आप लोग इस पर ट्राई ना करें, ये खतरे से खाली नहीं होता, इसके ऊपर ना चढ़ें। अगर सीढ़ियों की मदद से आ सकते तो ही आए, वरना ना आए, बजाने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद। आजा, इजी है। उल्टा हो गया। आशीष वहां से जंप ले, वहां से कोई रास्ता नहीं, नीचे कोई पत्थर नहीं है। जंप कर ले, फिर ऐसे बैक पकड़ी। हमें कोई और रास्ता नहीं मिला था, इसलिए हमने इसका प्रयोग करा है, आप लोग ना करें हैं। और ये हमने बहुत सोच समझ के, बहुत सावधानी के साथ हम लोग उतरे थे, तो आप लोग बिल्कुल ट्राई ना करें यहाँ पर आए पुराने किले घूमने। तो अगर कर भी रहे हैं ट्राई, तो बहुत सावधानी के साथ करें, ये खतरे से खाली नहीं है। और मिलते हैं आगे, बताते हैं आपको क्या क्या इसमें दिलचस्प चीज़ें हैं देखने लायक। ये तो ख़त्म हो चुका है धीरे धीरे, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर। इसको हुमायूं दरवाज़ा कहते हैं, इसका मुख जो था हुमायूं टाउन यानी हुमायूं का मकबरे की तरफ खुलता है। शायद आप दिल्ली में देखकर भी आए हों हुमायूं का मकबरा, मैं अभी तक नहीं गया, शायद अगली बार ट्राई करूँगा कि हुमायूं का मकबरा ही जाऊँ। और इसके आगे से हम रोड लेंगे, क्योंकि उस साइड से एक रास्ता था हमारे घर आने के लिए, मैंने बताया था। ये जो है पथ है हुमायूं के दरवाजे से जो सीधा आता है, और ये सामने है शेर का मंडल, इसके सामने जो पानी के लिए स्थान बनाया गया था, उसके बगल में है अग्रसेन की बावली। तो हम बारी बारी हर चीज़ पे जाते हैं और बताते हैं आपको क्या क्या वहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ देखने लायक है। अरे पानी के लिए बनाया हुआ यार, नहीं पहले का पानी का कुछ ऐसा था नहीं ना। हाँ पानी के लिए है वो।
वो चलती नहीं पानी, नल प्रणाली शुरू पड़ी होगी पानी की सप्लाई के लिए। पानी का वे सैंडल पड़ी अंदर। यह है शेर मंडल, इसको हम लाइब्रेरी बोल सकते हैं एक तरह से। इसके अंदर किताबें रखी होती और इसके अंदर एक रोमांचक कथा है कि शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था और वह एक बार किताब पढ़ते पढ़ते उनका पैर फिसल गया, जिसके कारण उनकी 1556 में डेथ हो गई थी। इसी के कारण माना जाता है इसका इतिहास इतना शानदार ऐसे ही रखा गया है। वैसे कहा जाता है कि इसका निर्माण जो एक राजा नहीं करवा पाए क्योंकि पहले शेरशाह सूरी ने इसकी नींव रखी, और वैसे माना जाता है महाभारत के टाइम में भी था, और एक टाइम पे जब हुमायूं आया तो हुमायूं ने इसके अंदर थोड़ा सा योगदान दिया, और एक समय पे ऐसा जब आज़ादी हुई भारत में दो बंटवारे हुए थे तो उस टाइम पे इसका इस्तेमाल जो था बंटवारे के मुसलमानों के सारथी सेवर के रूप में भी करा गया यहाँ पे, जो वहाँ पे लोगों को बसाया गया था। और इसे कहते हैं बावली, जिसके अंदर पानी रखा जाता था। बावली का प्रयोग पानी बचाने के लिए राजा महाराजा करते थे क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास कोई पंप वगैरह नहीं था और इसके प्रयोग से हम पानी का इस्तेमाल कर लेते थे। और आज के टाइम में ये बहुत गंदा है अंदर से भी, और ऐसी बावली एक है जो नई दिल्ली के अंदर भी है बंगला साहिब के पास में, सेम वैसे ही। और आज का मौसम बड़ा ही सुनहरा और खूबसूरत है, मज़ा आया। शाम का वक्त है, 6:30 हो रहे हैं, ये बंद होने का टाइम हो जाता है इसका, तो आप इतने बजे ना आए। और ये जो साइड में आप लेफ्ट हैंड पे देख रहे हैं यहाँ पे म्यूज़ियम होता है जहाँ पे इसके पुरातत्व जो इसके अंदर से निकले हैं वो मिलते हैं, और आप अगर यहाँ पे घूमने आएंगे तो आपको कपल्स ज़्यादा मिलेंगे, तो आप अपने कपल्स के साथ भी आ सकते हैं। और म्यूज़ियम का जो टिकट होता है लगभग 25 रुपये का होता है, 25-30 रुपये का, और जो एंट्री टिकट होती है वो 25 रुपये की आपको मिल जाती है। और ये वही दरवाज़ा है, बड़ा दरवाज़ा है, इस साइड में जो गेट दिख रहे हैं म्यूज़ियम के गेट हैं, और इसके ऊपर से ना तीर चलाए जाते थे ऐसा माना जाता है। और वीडियो अगर पसंद आई थोड़ी सी भी तो एक दोस्त को जरूर शेयर करें। यह टिकट घर, यहाँ से साइड में टिकट घर होता है जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों उसमें आपके ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। और यहाँ से शाम बगल में ही चिड़ियाघर होता है जहाँ अगर घूमने आए तो चिड़ियाघर भी घूम सकते हैं, पुराना किला और चिड़ियाघर दोनों पास में है। और सामने की तरफ से मस्जिद है एक, और फिर मेन रोड, वहाँ से आप बस से आए चाहे मेट्रो से, ये आपकी मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेना जैसा था कल मैं आज, अब भी मुझे मोटिवेट करे हर वो लाइक, दिल से आप जो करते हो मेरे फैंस नहीं मेरे भाइयों के लिए प्यार वाली झप्पी।